यूट्यूब में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। सही बात बता रहा हूँ किसान भाइयों, आप लोग तो देखे ही हैं। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड कर दिया था, उसमें बोल दिया था यार पानी जांच करने जाना है भाया तो दारू मत पिया, पानी जांच करने जा रहे हो तो दारू मत पियो, और दारू पीना है तो भाई पानी जांच मत करने जाओ, ये बोल दिया था यार। कई लोगों को इतनी झाड़ पहुंची उस बात से पूछो मत। ऐसे कमेंट किए, ऐसे मैसेज किए, ऐसा फोन किया ना भाई, मेरा दिमाग का बत्ती ही गोल हो गया। फिर मैंने एक वीडियो में और बोल दिया था शराब पीकर पानी मत जांच करो भाई, और साथ ही साथ शराब पीने के साथ ही साथ मांस खाकर भी पानी जांच करने मत जाओ। तो उनको डबल डोज हो गई, सिंगल डोज तो था संभाल लिए, शराब बस की बात को संभाल लिए, चलो जैसा भी हो एक डोज संभाल लिए। और मैं उसमें बोल दिया भाई अंडा मत खाओ शराब के साथ, शराब पी रहे हो तो अंडा मत खाओ, मुर्गा मत खाओ, मछली मत खाओ, बकरा मत खाओ, मेढक मत खाओ, चूहा मत खाओ, ये भी बोल दिया था। इतने ज्यादा आग बबूला हो गए पूछो मत यार। सच बोलना भारी गुनाह है भाई आज के दुनिया में, सच बोलो इतना सहना पड़ता है, इतना सहना पड़ता है कि पूछो मत यार। कबीर साहब ने बात सही बोला था यार, सच बोलो तो झूठन लागे झूठन जगपति आए, है ना भाई, आज की ये धारणा हो गई है। सच बोलो झूठन लागे तो बोल, आगे तो सब पता है यार, है ना, लेकिन आज की धारणा थोड़ा सा उसमें और चेंजेस हो गई है, आज की पब्लिक उसमें दो चार बात और जोड़ गई है ना। तो भाई सच बोल दिया तो लोग अब मुझे मारने लग गए हैं, गाली बकने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सॉरी भाई सच बोलता है। और आगे भी और बोलेगा यार, सुनना ना आगे और सुनना अभी, क्या ये लल्लू पंजू से क्या मैं डर जाऊंगा, सच बोलना गुनाह है तो ऐसा गुनाह मैं रोज करूंगा यार, सुबह शाम करूंगा ऐसी गुनाह, अगर सच बोलना गुनाह है तो ऐसी सजा दो हम सहेंगे भी हंसकर, जो सजा देना है दे दो यार, लेकिन हम सहेंगे हंसकर, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम कबीर साहब की चारों का अनुसरण करते हैं, उन महापुरुषों की बातों का अनुसरण करते हैं जिन्होंने सच बोल बोल कर बहुत संघर्ष किए हैं और कामयाब हुए हैं। भाई मैंने कह दिया शराब पीकर पानी जांच नहीं करना है सो नहीं करना है, यार क्या गलत है, शराब पी रहे उनके साथ मांस खाकर पानी जांच नहीं करना है सो नहीं करना है, यार कौन सी गलत बात बोल दिया भाई, पूरे आग बबूला हो गए हमारे पानी जांच करने वाले शराबी साथियों के तन बदन में आग लग गई, जैसा कि किसी आदमी के शरीर में पेट्रोल छिड़क कर माचिस मार कर जला देते हैं ना, और रग 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 करता है, वैसी वो करने लग गए, उल्टा सीधा सुबह शाम कमेंट करने लग गए। तो भाई कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है यार, अब शराब पीकर पानी जांच करने से क्या नुकसान होता है, मांस खाकर पानी जांच करने से क्या नुकसान होता है, मैं आपको गिना रहा हूँ भाई सुनिए। शराब पीने मन की जो विद्वेष होती है, मन की जो संतुलन रहती है वो बिगड़ जाती है, मनोभाव तेज हो जाती है, ठीक है ना। शराब पीने वाले भाई जानते हैं अगर शराब ना पिए ना उनको अल्लर 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 ऐसा ऐसा लगता है, शरीर संतुलन बिगड़ जाती है, एक चीज है, मन उद्वेलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, नसों में खून का संचार जो है ना भाई तेजी से होने लगता है, ये भी बात सही है, तेजी से रग 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 करता है आदमी को, देखना ऐसी लगेगा कि कोई सादा में रहेगा तो इसकी जुबान से आवाज ही नहीं निकलती है,
उनके जुबान से आवाज ही निकलती है नहीं निकलती है, वो जहाँ वहाँ बैठे रहेगी तो यहाँ तक आवाज नहीं आएगी, एकदम सीधा सादा सॉफ्ट और सौम्य लगेगा। लेकिन उसी को एक पाव एक डॉलर पिला दो, एक पाव रम पिला दो, एक पाव विस्की पिला दो या महुआ दारू पिला दो, पता नहीं है उनके अंदर कहाँ से ताकत आ जाती है, निकाल देगा तलवार और बोलेगा मैं ही हूँ, मेरे से बढ़कर कोई इतना ताकत आ जाती है, और ऐसे जोर से बोलेगा कि तालाब के इस पार में बैठे रहोगे तो उस पार के आदमी को सुनाई देगा, इतने जोर जोर से बोलेगा, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, अंदरूनी आ जाती है, उद्वेष बढ़ जाता है, नसों में खून का संचार बढ़ जाती है, क्यों बढ़ता है, अपनी हार्ट में पंपिंग बढ़ जाती है, तेजी से काम करना शुरू कर देती है, शरीर में गर्माहट ला देती है, ऑटोमेटिक गर्माहट ला देती है, किडनी में जो खून का जो फिल्टर होने की गति होती है उसमें भी तेजी आ जाती है, लेकिन नुकसान पहुंचाता है लीवर को, तो लीवर को अपने आप को संतुलित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब लीवर में शराब जाती है तो उसको अपने संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है लीवर को। तो आजकल हमारी ये शराबी साथी लोग क्या करते हैं, चखना गुंजी अंडे का वो खा लेते हैं, और नहीं तो अंडे खा लेते हैं, उबला अंडा सफ़ेद आलू उसको खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, और मुर्गा भी ऐसे खाएंगे कि शराब भट्टी के आजू बाजू में ना 15 दिन पहले काट कर रखे रहे मुर्गे को, उसी को भूंज भूंज कर सूखा में रखे रहते हैं, उसी को खा रहे हैं, है ना, उतरा बस यहाँ जो भी है वो सबको खा रहे हैं। तो वो जो रद्दी सामान जो 15 दिन पहले मर चुका है, भूंजा करके चला रहे उसको खा रहे, तो उसको पचाने के लिए भी लीवर को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ताज़ा होता तो कुछ अलग है, वो 15 दिन का कट्टा बसिया उसको खा रहे हैं, मिर्चा मसाला डाल दिया तो उनको स्वाद बढ़ जाता है, उसको खा रहे तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, अब मेढक खा रहा है उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, मूसवा खा रहा है उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, बिल्ली खाए अभी तो नहीं सुना हूँ मैं कहीं पर ही बिल्ली खाते हैं नहीं खाते वो पता नहीं, मैं नहीं देखा हूँ किसी को खाते, ना कोई शराबी नहीं भी बोला है कि बिल्ली खाता हूँ, ऐसा अभी तक नहीं बोला है, खाते होंगे तो नहीं जाता भाई बता देना कमेंट। बकरा खाते हैं, इससे क्या होता है, अभी खा ले तो 8 घंटे 10 घंटे उसको पाचन करने में लगता है, तो इससे क्या होती है, शराब पियोगे रफ्तार बढ़ जाती है, दिमाग एक्टिव से फिर डिसएक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्यों, एक तरफ दिमाग काम करता है उद्वेलित हो जाता है दिमाग, दूसरा लीवर मांस खाने से वो अपने आप को संतुलन बनाए रखता है ना, तो वो क्या करता है, एक तरफ ये आलसी बना देता है, किसी भी मोटर को ज़्यादा चलाओगे ना तो गर्म हो जाता है, वैसे लीवर का काम है, जब ज़्यादा वहाँ ना स्पीड काम करती है, जैसे कि एक्सेलेटर देते रहते हैं ना बक 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 बक, वैसी वो जब ज़्यादा काम करती तो दिमाग को निष्क्रिय कर देती है, फिर हमें क्या लगता है, आलसी लगता है, हम जाके सो जाते हैं। अक्सर शराब पिए रहेगा मांस खाए रहेगा उस आदमी को देखना बीच रास्ते में भी पड़ा रहता है, बीच रास्ते में पड़ा रहेगा और वो घंटों पड़ा रहता है, आधा घंटा भी पड़ा रहेगा, 1 घंटा भी पड़ा रहेगा, 2 घंटा भी पड़ा रहेगा, 3 घंटा भी पड़ा रहेगा, 4 घंटा भी पड़ा रहेगा, जब तक उसकी शरीर में संतुलन फिर से पहले जैसे नहीं आ जाएगी तब तक पड़ा रहता है। और मैं ऐसा भी देखा हूँ ऐसे लोगों को, ना तो बिच्छू काटता है ना सांप काटता है, जो पड़ा रहता है पड़ा रहता है, उठेगा अरे भैया सॉरी भाई वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, चला जाएगा उठकर। ऐसी स्थिति में अगर कोई पानी जांच करने जाए तो कैसा जांच कर पाएगा, लीवर अपना अलग दिशा में चल रही है, दिमाग अलग दिशा में चल रही है, हाथ की नसे में संचार अलग है तो कैसे काम करेगा, लीवर कुछ और कह रही है, दिमाग कुछ और कह रही है, हाथों की इंद्रियां कुछ और कह रही है, तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। अब सादे में जाएंगे बिना शराब पिए जाएंगे तो आपके तीनों इंद्रियां बाकी सभी इंद्रियां आपके संतुलन में रहेगी, आपकी बैलेंस में रहेगी, लेकिन यहाँ तो विभाजन हो जाती है, इंद्रियों का कार्य बढ़ जाता है। अगर हम एक चींटी भी चाप दे तो क्या होता है, सामान्य रहेंगे सादे रहेंगे तो पूरा दिमाग तक पहुंचता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, लेकिन नशे में क्या कितना संदेश हमारी कोशिकाएं लेकर दिमाग तक जाएंगी, नहीं जा पाता भाई।
लीवर का संदेश भेजे, किडनी का संदेश भेजे, फिर यूरिन वाला बॉक्स रहता है उनका भी संदेश भेजे, क्योंकि यूरिन बॉक्स अभी खराब हो जाता है शराब पीने और मांस खा कर निकलने वाले लोगों को, देखना उसके पेशाब पूरा पीला पीला, सरसों तेल भी फैल खा जाता है इतना पीला रहता है, और कई बार तो ब्लड भी जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसी ही हालात तो लीवर की होती है, किडनी की होती है, यूरिन बॉक्स की होती है, फिर हार्ट की होती है, फिर नसों में संचार होती उसकी भी होती है, पंपिंग की होती है, फिर ब्रेन की होती है, कितनी सारी सूचनाएं हमारी कोशिका दिमाग तक पहुंचाएगी। इसलिए ज़्यादा जब होता है ना मोबाइल को देखे हो, उसकी प्रोसेसर की कैपेसिटी होती है, ज़्यादा ओवरलोड होता है तब मोबाइल हैंग हो जाती है, सही बात है ना भाई, कुछ देर के लिए ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जब गर्म उनकी शांत हो जाए, गर्मी शांत हो जाए तब फिर एक्टिव होती है वो। सेम कंडीशन ये शरीर का है, आदमी सो जाता है, वो सोया है कि जग रहा है कि जिंदा है कि मर गया है उनको कोई पता नहीं होता, शराब पीने के बाद इंसान ऑटोमेटिक कोमा में चला जाता है, उसका दो चार लात लगा दो पता भी नहीं चलता, ऐसा तो है कि नहीं। ऐसी हालत में जब आप पानी की जांच करने जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या बताओ, अगर आप इस नारियल को रख लोगे हाथ में तो क्या एक्टिव होगा? आपकी आपका ध्यान तो कुछ, आपके दिमाग तो एक ही है लेकिन बटा कई हिस्सों में है। दारू पीने शराब पी खाने के बाद क्या है, दारू पीने शराब पीने और मांस खाने के बाद, मांस खाने वाले किडनी का अलग ब्रेन जाएगा, यूरिन बॉक्स का अलग मैसेज जाएगा, अगर पेशाब में अगर चुनमुनाहट आ गई नली में तो उसका मैसेज अलग जाएगा, हाथ पर रगड़ अगर अगर रखा लेगा उसका मैसेज जाएगा, और अगर हार्ट पंपिंग करेगा उसका मैसेज जाएगा, आपके दिमाग में नशा होगा उसका भी जाएगा, सभी चीज़ जाकर वो एकदम कुंठित हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या ये हाथों की इंद्रियां, हाथों की कोशिकाएं कैसे आपके संतुलन में रखेगी, और आप जबकि आपकी इंद्रियां ही संतुलित नहीं है तो कैसे पानी जांच कर लोगे भाई, कैसे जांच कर लोगे पानी, ये तो बताओ मुझे भाई। आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव रहेगी तभी तो आपको जमीन के नीचे का जो बहाव है वो पता चलेगा, आप तो बहाव को पता करने के बजाय आप अब दारू की लत लगा लियो तो कैसा होगा। है एक साथी है हमारे रायपुर में, वही भानपुरी जाते हैं उसी रोड में, वहाँ का है, वो बताया कि भैया मेरे यहाँ पानी जांच करने आए, मैं बुलाया था 10 बजे के आसपास बुलाया था, सर्विस वाले हैं बेचारा, वो बोला कि 10 बजे के आसपास बुलाया, आए 12 बजे के आसपास, और वो बता रहा था कि 8 बजे से निकल गया हूँ घर में, शहर से निकल गया हूँ, कहते कहते वो 10 या 12 बजे, और पता चला जब आए ना तो भाई 10 का 12 इसलिए बजा क्योंकि 10 बजे था वो भट्टी खुलता है ना शराब दुकान, तो वहाँ से ले लुआ कर आए, पी पुआ कर आए, और उनके घर तक जाते 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 पैरों की संतुलन बिगड़ गई थी, हाथ इधर तो एक हाथ उधर, एक पैर इधर तो एक पैर उधर, लट 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 लट, आँख लाल लाल दिख रही थी, बैठे थे वो, कहाँ पानी जाँच करना है। चलो भाई ऐसे कमेंट को देख के हरा गया, लेकिन वो तो बेचारा बुला लिया था, क्या करेगा, नामी की नामी पानी जांच करने वाला उसको क्या बोलता, वो बोला कि भैया आज नशे में कल चले जाएंगे, तो बोला नहीं ना कल हमारे बस टाइम नहीं है, ऐसा उनको बोलने लगा, तब क्या करेगा वो, चलो भैया कह के ले गया, 2-4 कदम चला, यहाँ पानी है, नारियल तो भैया उनका तो खुद शरीर कंट्रोल में नहीं है, गया वहाँ ये घटिया यहाँ पानी है, गौटिया को बता दी हाँ पानी है, गौटिया लगा दिया वहाँ पॉइंट, मशीन लगाया, वो डीलिंग हो गया, धूल उड़ गई, गौटिया का सारी निगोटिया हो गया गौटिया का निगोटी निकल गया वहाँ ऐसे नहीं है तो फिर क्या मतलब है यार, है ना, ऐसा हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शरीर संतुलन नहीं रहता, शराब पीकर साथ में मांस खाकर चाहे किसी भी हो, ये दो चीज को छोड़ दो पानी जांच करना है तो। आज किसानों के खेत में धूल उड़ रही है ना, इनका बहुत बड़ा कारण यही है, मैं भी अपने खेत में पानी जांच करने के लिए बुलाता था, एक उधर कोंडा गांव तरफ के बुलाया था, तो पूरा लट 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 महुआ माल पीकर आया था, और महुआ दारू एक बार टलौर साथ में लेके आया था, ऐसा तो है, पीकर आया था तो नशा में था, और खेत में गया तो एक पाव बचा था उनको भी चमका गया, उसके बाद पानी जांच किया, क्या हुआ, आखिरी में धूल उड़ गई, है ना। ऐसे मेरे एक मामा जी का खेत है,
वहाँ भी पानी जांच किया और पानी जांच करने वाले भी खा कर गए थे, वहाँ पर भी धूल उड़ गई। ऐसा तो हालात है भैया मेरे। तो पानी जांच करने वाले भाई, पानी जांच करना है तो ना यार दो चीज़ में कंट्रोल करके रखो। ये सरस्वती लक्ष्मी तभी आपका साथ देगा जब उनका आदर करोगे। सरस्वती आने के समय में लक्ष्मी को छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे साथ देगा भाई। सरस्वती ने आपका गुण दे दिया है तो उस गुण का भी सार्थक उपयोग करो ना। सरस्वती की दी हुई गुण का उपयोग करने के समय में, सदुपयोग करने के समय में आप दारू पी रहे हो तो क्या सरस्वती आपका साथ देगी? ज्ञान बुद्धि आपकी साथ देगी क्या? आपकी सजीव इंद्रिया साथ देगी? नहीं देगी भाई, वो भी चली जाती है, मुंह मोड़ कर चली जाती है। अब रही बात सरस्वती चली गई तो लक्ष्मी का क्या महत्व? आपके पास ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी रहते हुए भी व्यर्थ है, क्योंकि वो लक्ष्मी भी नहीं ठहरेगी। शराब पिए हो तो क्या करेगा, 500 दे दिया, कोई 200 दे दिया, इसलिए आपका कद गिर गया। आज पानी जांच करने वाले को 200 रुपये से ज़्यादा देना पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि 200 रुपये का उनका दौर दारू पिलाना पड़ता है, ये हालात हो गई है। पानी जांच करने वाले भाई कई बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, उन सबको न माना है, अच्छे लोगों को सब न माना है यार, बुरा मत मानना मेरी बातों को। लेकिन ये शराबी लोग हैं ना यार, पी 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 कर दुनिया में धूल उड़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा यही सुझाव है भाई। आप अपना तो बिगाड़े हो लेकिन और मत बिगाड़ो, किसी को और को मत बिगाड़ो भाई। आपसे नहीं हो रहा है काम, ना दारू पीना है तो जाके भट्टी में चपरासी बन जाओ। वो सीसी बॉटल पर उठा उठा कर एक जगह करो, वो काम कर लो, वो शोभा देगा, लेकिन किसानों को बर्बाद मत करो। आपको अच्छा समझ कर किसान बुलाते हैं और आप लोग दारू के लत में पड़े रहते तो क्या अच्छा है भाई? ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। आप लोग दारू को कुछ समय के लिए त्याग कर दो, पीना ही तो ऐसे आदत बनाओ कि वो सोमरस बन जाए, अमृत बन जाए, ऐसी आदत बना लो यार काम के समय में, पैसा आने के समय में, लक्ष्मी बरसने के समय में, किसी का भाग्य जागने के समय में। आप दारू पीकर मांस खाकर अगर इससे घटिया कृत्य करोगे तो कहाँ अच्छी बात है? कौन आपको अच्छा कहेगा? ना सरस्वती अच्छी कहेगी, ना लक्ष्मी अच्छी कहेगी, ये दोनों की बात छोड़ दो, आपकी पत्नी भी अच्छी नहीं कहेगी। अरे हमारे घर वाले तो पानी जांच करते हैं तो भैया कितने देते हैं उसको पैसा? ओ भाई भैया कितने दिए उसको पैसा? तो बोलेगा वो तो 200 रुपया दिए। अरे पानी जांच करने जाते हैं लेकिन वो कोई 250 दिया, कोई 300 दिया, बस हो गया। लालच है ऐसे पानी जांच करने वालों को, चुल्लू हर पानी में डूब मरो यार। 200-250 रुपया में इतना घटिया कृत्य करोगे? आपको महान कार्य करने के लिए बुलाया है और दारू पीकर इतना घटिया कृत्य करोगे तो और कितना देगा बताओ? मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पानी जांच करने जाओगे, अच्छा पानी जांच करने जाओगे, सादगी भरे जाओगे ना, तो 200-250 रुपये की बात छोड़ दो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आज के डेट में आपको 11,000 रुपये पर पॉइंट देगा। सौरी भाई को क्यों 11,000 रुपये देते हैं लोग? क्यों 25,000 रुपये देते हैं लोग? क्यों ठेका देते हैं लोग? कारण तो है ना भाई, आप दारू पीकर पड़े रहते हो, आपको पानी जांच करने के लिए बुलाते हैं लोग, पता चलेगा तो रास्ते में ही पड़े रहते हो। मैं तो देखा कई पानी जांच करने वाले, पानी जांच करने जाते हैं उससे पहले वो क्या बोलते हैं भट्टी जाएंगे, अपन तो जाते नहीं यार इसलिए याद नहीं आता भट्टी का नाम जल्दी से, दारू भट्टी जाएंगे, रास्ते में वो क्या ढाबा पड़ता है वहाँ बैठेंगे, वहाँ भी खा ले, उसके बाद जाते 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 दिमाग पूरा जीरो, बीच रास्ते में पड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे तो हमारे पानी जांच करने वाले भी भाई हैं, अच्छे लोग बुरा मत मानना यार, उसको नहीं बोल रहा हूँ, ये आज मैं देखा हूँ, देखन दाखिन सब चला, बोला ना भाई कोई, और जो बोला वो सच बोला और लाठी मारन खाए। वही आधा जो देखे देखते तो सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं सब, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, और जो सच बोल रहा है वो लाठी खा रहा है, ये वही भाव है भाई। लेकिन ऐसे अरे भाई ना यार नहीं डरता, सच बात बोलता है यार, अगर बुरा लगे ना भाई तो क्या करूँगा यार, मैं बक लेना जी भर के, वही तो करते आ रहे हो। अरे भाई मुझे गाली देने के बजाय ना अपने आत्मचिंतन करो, आपकी पत्नी भी खुश रहती है,
अरे मेरे हस्बैंड आज पानी जांच करने जा रहे हैं, उसको एक उम्मीद होती है मेरे हस्बैंड आज पानी जांच करने जा रहे हैं तो उनको जरूर 2-3 हजार रुपये तो कम से कम लेकर आएंगे। अब पता चला 200 रुपये में काम करते हो, 200 रुपये दिया, वो भी आते आते और चढ़ावा तो करके चले गए और आते आते उतारा भी कर लेते और पी लेते हो भाई। अब घर में आते तक 250 रुपये कौन का भाई, 2 रुपये भी जेब में नहीं बचता यार। ऐसे 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 हमारे पानी जांच करने वाले हैं भाई, हमारे साथी ऐसे 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 पानी जांच करने वाले हैं जो 200 रुपये को भी जो दिए हैं अपनी मेहनत का खून पसीना कमाई को घर तक भी नहीं ले जा सकते। ऐसे में क्या पत्नी खुश रहेगी, बेटा खुश रहेगा? अरे जिन्होंने जो आपको दामाद बनाया है वो भी दुखी रहेगा। पत्नी को खुश रहने की बात तो छोड़ दो, जिन्होंने आपको दामाद बनाया है वो भी दुखी रहेगा यार। इसलिए भाई पैसा इस लाइन में बहुत है, मैं इसीलिए आप लोगों को जगा रहा हूँ, इस लाइन में पैसा बहुत है। जो अच्छे से पानी जांच करेगा ना वो राज करेगा, याद रखना। 11 हजार रुपये नहीं, अगले साल बढ़ा दो कीमत, 15 हजार रुपये देगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको पानी की जरूरत है। आपके टैलेंट को निखारो, ये दुनिया भर का सब ढमढमा है ना शराब पी गए, दुनिया भर का सब बंद कर दो, कंट्रोल कर लो। अगर पैसा कमाना है कंट्रोल कर लो भाई, और आपके अंदर प्रतिभा है ना तो पैसा नहीं कमाओगे तो भी व्यर्थ है, आपका जीना भी व्यर्थ है। दुनिया पैसे के दम पे चलती, हरी हरी नोट में दुनिया चलती है। हरी नोट देखेगा तो पत्नी भी खुश रहेगी, हरी नोट देखेगा तो मम्मी भी खुश रहेगी, और हरे हरा नोट नहीं मिलेगा ना तो एक लोटा पानी भी नहीं मिलेगी। बहु रानियां भी आपके सामने में ना सिर में क्या बोलते हैं उसको, पल्लू नहीं ढाकेगी। अरे वो भड़वा वो रोगा काबिल नहीं है, 2 रुपया नहीं लेता, लात में काय को सिर ढाकूं। आपके पास पैसा रहेगा ना तो उसकी सिर ढकेगा, याद रख लेना। पत्नी तो मुड़ी गड़ा के रो लेगी, पल्लू ढाक लेगी, पत्नी मुड़ी गड़ा के रो लेगी भाई, रो लेगी वो बोला काकर काकर कर देती इसकी, रो लेगी भाई वो लेकिन बाजू में बहू रानी ना वो आग में घी डालने के काम करेगी, तोड़वा देगी घर। ये सॉरी भाई बहुत प्रैक्टिकल आदमी है यार, साधु संत नहीं यार, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ये दुनिया का दर्द सहा हुआ आदमी है। इसलिए बोलता हूँ ना यार, अगर दुनिया में मौत देना है तो ऊपर वाले मेरे को दे दे, कोई गम नहीं, नागे नहीं है ना पाछे नहीं, लेकिन परेशान होने मत दे। सही बात बोला ना भाई, संगत साधु संतों की है यार तो कुछ ना कुछ बात उपदेश की आ जाती है। लेकिन मैं बोलता हूँ ना यार, सच बात बोलता हूँ, झूठ बात नहीं बोलता। पैसे की महत्व है, पानी जांच करते हो यार पैसा नहीं कमा सके तो क्या मतलब, अरे लालच है 200 रुपये में जाते हो, अरे 250 रुपया तो रोजगार घंटे में काम करने वालों को मिलता है। मेरे खैर खेत में काम करने जाता हूँ मैं 300 से 400 रुपया रोजी देता हूँ, और लालच है आपकी प्रतिभा पर जो आपके 200 रुपये में पानी जांच करने जाते हो, धिक्कार है। अरे लालच है यार, अरे यार इतनी प्रतिभा कहते हैं जो इच्छा है वो दे दो, जो इच्छा है दो दे दो, पानी जांच कर जो इच्छा है जो दे दो आपकी मर्जी, अरे जो इच्छा है दो दो, वो तो भिखारी बोलता है। किसी के घर में जाएगा वो बोलेगा राजन गौटिया निंगोटिया जो भी बोलते हैं गांव में, वो बोलेगा आपकी मर्जी है दो दो। अरे भिखारी याचना करते हैं, आपके अंदर तो प्रतिभा है, ऊपर वाले ने आप कितना अंदर में कितनी गुण दे के भेजा है, आप बोलते हो भिखारी की तरह आपकी मर्जी दे दो। अरे क्या भीख मांग रहे हो, अपनी कीमत बोली लगाना सीखो तो पैसा मिलेगा। लेकिन बोली लगाने पैसा कमाने से पहले आपको विचार में भी बदलाव करना पड़ेगा, आपकी हाव भाव में बदलाव करना पड़ेगा, तब पैसा कमा पाओगे मेरे भाई। तो बोल रहा था इस लाइन में बहुत पैसा है, बढ़ाते चलो अपना फीस बढ़ाते चलो, लेकिन एक धारणा भी बना लो, मैं 15 हजार भी लूंगा 20 हजार लूंगा लेकिन आपके खेत में पानी भी निकालूंगा, और जब पानी निकलेगा ना तब पैसा देना, ये भी बात बोलो, डंके की चोट में बोला करो यार। सॉरी भाई बोलता है ना, अरे रहने दो पैसा, सॉरी भाई को पहले फीस नहीं चाहिए, 11 हजार देना, 22 हजार देना, 33 हजार देना, जो भी देना है देना, लेकिन आपके खेत में पहले पानी निकलेगा तब देना, नहीं निकलेगा भाई मत देना। क्यों देते हैं लोग सॉरी भाई को पैसा, क्यों दे रहे हैं? वही आप सीनियर हो, मैं तो आपका बच्चा हूँ यार,
कई पाने जांच करने वाले देखा भाई, वो तो बड़े बड़े मेरे पिताजी और मेरे दादाजी की उम्र के, उसको भला मैं क्या उल्टा सीधा बोलूंगा, नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज उनकी स्थिति को देखो, शराब पीकर पड़ा हुआ, मैं देखता हूँ मुझको दया आती है, जो देखेगा वो उसको दया आती है, यही बोलेगा अरे ये तो पानी जांच करने वाला है, ये तो मेरे घर में आया था एक बार पानी जांच किया, इनके जांचे हुए पानी से मेरा आज भविष्य तर रहा है, मेरे कुल का उद्धार हो गया, वो बोलता है, लेकिन उनकी निच कर्म को देखता है दारू पीकर पड़ा हुआ है, तो उनको भी सोचना पड़ता है। देखो दया उस पर आती है, लोग बोलते हैं देखो इतनी बड़ी कलाकार आज दारू पीकर पड़ा हुआ है, बीच रास्ते में बेहोश होकर पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति तो मत लाओ, अपनी प्रतिभा का जागरण करो यार, अपनी प्रतिभा को निखारो, आप प्रतिभावान नहीं हो ये नहीं कह रहा हूँ, आप अगर टाइमिंग का सिलेक्शन कहीं सही कर लोगे तो आपके घर में पैसा बरसेगी, आपके पास तो सरस्वती का वास ऑटोमेटिक है, ये नारियल से पानी जांच करने का गुण ऊपर वाले ने सभी को नहीं दिया है, लाखों लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं, कुछ देर में करोड़ भी हो जाएंगे और करोड़ से आगे भी चलेंगे, लाखों लोग आज अपने हाथों में नारियल लेकर देख रहे हैं कि क्या हमारे हाथ में भी खेलेगा नारियल, नारियल खेलेगा नहीं खेलेगा, नहीं खेल रहा है, जब आपके हाथों में नेचुरल गुण है तो उसको तो भुना लो भाई, पैसे कमाने के भी एक सीमा होती है, एक उम्र होती है, हमेशा सरस्वती नहीं आएगी ना हमेशा लक्ष्मी नहीं आएगी, जब दोनों आ रही है तो भाई दोनों को छोड़ो मत, लेकिन आप तो दोनों को छोड़ रहे हो, दारू की नशे में दोनों छूट रहा है, सरस्वती भी जा रही है और लक्ष्मी भी आ रही है, उल्टे आप गाली खा रहे हो, मत खाओ भाई गाली। तो भाई मैंने आज शराब और मांस के बारे में बता दिया यार, वो भी एक वीडियो में कमेंट कर दिया था कि भाई पानी जांच करने वाले शराब पीकर मत जाया करो यार, इसे आपके साथ साथ पूरे बिरादरी का भी अपमान हो रहा है, आप भी पानी जांच करने वाले मैं भी हूँ, तो लोग पहले पूछते हैं भैया आप कौन से दारू पियोगे कहीं पानी जांच करने के लिए कहीं जाओगे ना तो पानी जांच करवाने वाले भी बोलते हैं भैया आपका क्या व्यवस्था करूँ बताओ कौन से दारू पीते हो पहले यही पूछते हैं, रात रुकने का नंबर लग गया तो भैया मैं कौन से दारू मंगा के रखूँ, अरे नहीं पीता यार, सॉरी भाई नहीं पीता, आज तक नहीं पिया है कभी, तो लोग ऐसे ही पूछते हैं आपके चक्कर में मुझको भी शराबी बना दिया यार, आप तो पीते हो मैं भी शराबी बन गया हूँ, आप पीकर शराबी बन रहे हो मैं बिना पिए शराबी बन गया हूँ इसी गांव का जब पानी जांच करने आए थे लोग बोले भैया पहले सारी शराब पीकर जांच करते हो कि बाद में पियोगे, मैं बोला ना पहले पीता हूँ यार ना बाद में पीऊँगा, अरे इस लाइन के तो सब पीते हैं भैया, अरे वो मैं उनमें से नहीं, तो भाई आपके चक्कर में सब अच्छे अच्छे लोग भी बदनाम हो रहे हैं, तो आपकी प्रतिभा है उसको हमारे नौजवान साथी को युवा साथी को जो हमारे फ्यूचर उसको सिखाओ, आप लोग वीडियो बनाते उसमें शिक्षा दो कि हाँ ऐसे करना ऐसे नहीं करना, अरे यार क्या 10 मिनट निकाल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा बताओ, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसमें क्या फॉल्ट है वो पब्लिक में जाएगी, हमारा बच्चे लोग है ना वो सुधार करेगा उसमें, उस रास्ते पर नहीं चलेगा, बच के चलेगा। तो भाई मैंने आज शराब और मांस के बारे में बता दिया, अगर बुरा लगा हो यार तो सॉरी भाई को सॉरी बोलने में कोई इतराज नहीं है, सॉरी कर सा बोल रहा हूँ यार, बुरा लगा हो तो भाई, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, सॉरी भाई सच बोलता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जब दुखी हो जाए तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरी बात सहते सहते अगर अच्छा लग गया ना तो मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ सॉरी भाई को सॉरी नहीं बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी भाई को आप थैंक यू बोलोगे, सही बात बोला ना, आप बुरा लगेगा तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार, लेकिन अच्छा लग गया ना तो मेरे को थैंक यू बोल देना यार, कमेंट बॉक्स में थैंक यू सॉरी सर बोल देना या व्हाट्सएप में बोल देना थैंक यू सॉरी सर, मैं समझ जाऊँगा ये हमारा साथी है, बस थैंक यू लिख कर भेज देना अपने मोबाइल से, मैं समझ जाऊँगा ये हमारा पियक्कड़ साथी है जो अब सुधर गया है, ठीक है। तो भाई हमारा मोबाइल नंबर है यार 7000716599, किसी भी प्रकार की कोई कमेंट करना हो यार, कोई सुझाव देना हो तो भाई मैसेज कर देना, और अक्सर मैं रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच इस मोबाइल को रखता हूँ, इस नंबर का जो मोबाइल है उसको चलाता हूँ, और कहीं बिजी रहा कहीं आया गया रहा तो भाई मैं मोबाइल नहीं उठा पाऊँगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे यार, तब तक के लिए सॉरी भाई को जय जोहार है।